हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑन एनवायरमेंटल साइंस। दोस्तों, आज हम एनवायरमेंटल केमिस्ट्री का एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे जो कि रिलेटेड है बियर्स लॉ से। और इस टाइप के क्वेश्चन यूजुअली हर साल यूजीसी नेट या फिर जो अभी एनटीए कहलाता है उसमें पूछे जाते हैं। यह क्वेश्चन नवम्बर 2017 यूजीसी नेट में पूछा गया था। दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको और आपके दोस्तों को मेरी लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अ सॉल्यूशन ऑफ केमिकल ए विद अ कंसंट्रेशन ऑफ 0.14 मोल पर लीटर इज मेजर्ड टू हैव एन एब्जॉर्बेंस of 0.42. Another solution of A measured under the same condition and has an absorbance of 0.36. What is its concentration? इसमें दोस्तों चार ऑप्शन दिए हैं, 0.808, 0.350, 0.120, 0.100 मोल पर लीटर। तो देखते हैं इसमें दोस्तों, इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही है। इस क्वेश्चन में हमें कंसेंट्रेशन फाइंड करनी थी सॉल्यूशन ए की दूसरी वाली। तो इसमें देखते हैं दोस्तों हमारा कौन सा प्रिंसिपल यूज हो रहा है। जो इसमें प्रिंसिपल हमारा यूज हो रहा है वो हमारा प्रिंसिपल है बियर्ट लैम्बर्ट लॉ। तो जो हमारा बियर्ट लैम्बर्ट लॉ है वो हमें बोलता है दैट द क्वांटिटी ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय अ सब्सटेंस डिसॉल्वड इन अ फुली ट्रांसमिटिंग सॉल्वेंट is directly proportional to the concentration of the substance and the path length of the light through the solution. तो जो भी हमारा substance है जो light absorb कर रहा है उसकी concentration in the solution, जिस solution में हम उसी concentration देख रहे हैं, और जो हमारा cuvette है जिसमें हमें जिसके through हमारा light pass हो रहा है उसका length का जो length है वो directly proportional है absorbance के। तो सिंस द लेंथ ऑफ द क्यूबेट इज द सेम, तो हम इसमें लेंथ नहीं लेंगे, हम इसमें ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसेंट्रेशन ऑफ द सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन लेंगे, क्योंकि हम जब दोनों को डिवाइड करेंगे तो एलसीएल कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, इसलिए हम ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी वाला इक्वेशन लेके सॉल्व करेंगे। तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी कंसेंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन द सॉल्यूशन। तो ए वन हमारा क्या होगा, सी वन के इक्विवेलेंट होगा, ए टू हमारा सी टू के इक्विवेलेंट होगा। तो क्वेश्चन में हमें ए सी वन गिवन है, ए वन गिवन है और ए टू गिवन है, तो हमें क्या निकालना है, सी टू निकालना है कॉरस्पॉन्डिंग टू एब्जॉर्बेंस 0.42। तो इसे सॉल्व करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, इक्वेशन वन और इक्वेशन टू को डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हम सी वन बाय सी टू इज इक्वल टू ए वन बाय ए टू, ये हमारा दोनों को डिवाइड करके इक्वेशन आएगा। और इसमें हम रीअरेंज करके सी टू की फॉर्म में ले देंगे, सी टू इज इक्वल टू ए टू बाय दोस्तों ए वन होगा, ये ए वन सी वन यहाँ पे ऊपर वाला ए वन होगा दोस्तों, दैट इज ए वन, ये ए वन होगा इंटू सी वन इज इक्वल टू पॉइंट, यहाँ पे ए वन की वैल्यू हमें दी है 0.36, ए टू की 0.42 और जो हमें सी वन दिया है 0.14, उसको करेंगे 0.12 मोल लीटर इनवर्स। दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन आ गया। दोस्तों इसमें हमें ये डेफिनेशन याद रखनी है कि ए हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल एल लेंथ ऑफ द क्यूबिट और जिसके थ्रू हमारी लाइट पास हो रही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप रिवाइज कीजिएगा और इसी टाइप के दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई कीजिएगा। साथ ही हम इसका दूसरा टाइप के न्यूमेरिकल भी हम आपको सॉल्व करके बताएंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो जो अपकमिंग वीडियोज हैं वो भी उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहे। धन्यवाद।